everyone, welcome to my channel NeatNet. In previous video, we discussed about the structure of plasma membrane and here we discussed the lipid bilayer and the protein and their types also. Today, we are going to discuss transport across membrane. Basically, करना क्या था हमें जो lipid bilayer था, lipid bilayer का जो मैंने आपको structure बताया, उसे क्या करना है? Cross करना है. ठीक है, उसको क्रॉस करने के लिए हमें, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है. ये जो अंदर वाला जो लेयर होता है, जो बाइलेयर होते हैं, वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक. इसलिए जो हाइड्रोफोबिक है वो अलाउ नहीं करता जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल है उसको पास होने के लिए. तो फॉर दैट पर्पज वी नीड एनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, जो उसको क्या करे, इसके इसे पास होने में हेल्प करे. तो ये तो एक मैंने आपको समरी बताई, अब मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करूंगी. नाउ जो जो पैसेज होता है, जो मॉलिक्यूल को जो पास करने का जो पैसेज होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. पहला है साइज एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोफोबिसिटी. ठीक है, अगर मैं साइज की बात करूं तो जितना स्मॉल साइज होगा, तो बेसिकली क्या होगा कि जितना स्मॉलर द साइज फास्टर द मूवमेंट. आप सोचो एक बार कि अगर मेरे पास छोटा बॉल है और बड़ा बॉल है, तो किसको इजिली ट्रांसफर होने में कौन जल्दी ट्रांसफर करेगा, किसका मूवमेंट जो है वो फास्ट देखने को मिलेगा? तो डेफिनेटली वो स्मॉल जो है, स्मॉलर द साइज, जिसका साइज एकदम छोटा होगा, वो इजिली कहीं से भी निकल सकता है. लेकिन ये काफी नहीं है, उसके साथ हमें क्या चाहिए? वी नीड हाइड्रोफोबिसिटी. व्हाई? बिकॉज द मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक. ओके, तो अगर हाइड्रोफोबिसिटी उसकी ज्यादा होगी, मोर, देन डेफिनेटली वो क्या होगा, वो फास्टर मूवमेंट करेगा. तो इतना क्लियर है ये चीज. हम इसको देखते हैं कि कैसे पैसेज कैसे होता है या पास कैसे करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, वो क्या है? नॉन पोलर है. हमें पता है कि नॉन पोलर के लिए ये फेवरेबल है, वो इजिली पास कर जाएगा. इसलिए जो ये हमारा जो बीच में जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, तो इसको जो नॉन पोलर है, जैसे CO2, O2, ये इजिली पास कर जाएगा. क्यों? क्योंकि वो क्या है? नॉन पोलर है. वहीं पे अगर हमारे पास स्मॉल तो है, एक फैक्टर तो वो कर रहा है, क्लियर, लेकिन वो हमारा पोलर है. अभी मैंने आपको बताया था कि पोलर जो है वो यहां से पास नहीं हो पाएगा. तो जैसे वॉटर है, तो वॉटर जो है वो कुछ ना कुछ परमिबिलिटी शो करता है, इसलिए वो कभी कभी विद द हेल्प ऑफ समथिंग वो पास हो जाता है और कभी नहीं होता है. ठीक है, तो परमिबल होता है, दैट्स व्हाई इट्स पास. थर्ड फैक्टर आता है हमारा, एक तो लार्ज भी है प्लस पोलर भी है, दोनों ही जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जिसका जो मॉलिक्यूल है वो काफी लार्ज है, तो ये पास नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये नहीं हो पाएगा. एक और चीज याद रखना, जैसे आयंस में सोडियम, क्लोरीन, कैल्सियम, ये भी पास नहीं हो पाते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कौन जो मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है. तो आज के लिए इतना ही था. थैंक यू सो मच.